आज मैं आप लोगों लेकर आई हूँ कटहल की सब्जी बनाने की रेसिपी, यूपी और बिहार स्टाइल, एकदम परफेक्ट ऑथेंटिक टेस्ट आएगा। और सबसे ख़ास बात, एकदम आसान स्टेप्स में आपको बताऊँगी। इस सब्ज़ी की ख़ास बात यह है कि झटपट से ही सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। नहीं तो काफ़ी सारी रेसिपीज़ में मैंने देखा है कि कटहल को उबालते हैं, प्रेशर कुक करते हैं एक सीटी, फिर उसे फ्राई करते हैं, फिर मसाले के साथ भूनकर फिर प्रेशर कुक किया जाता है। तो उतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने से अच्छा है जो मैं आज आपको स्टेप बताऊंगी। इसमें एकदम परफेक्ट तरीके से सब्ज़ी बनके तैयार होगी और कटहल भी एकदम अच्छे से गल जाएगा, अच्छे से पक जाएगा। तो चलिए यूपी और बिहार के इस फेमस कटहल की सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो, मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने छोटी सी एक कटहल ले ली है। इसे लोकली यानी यूपी और बिहार के लैंग्वेज में कटहली भी कहा जाता है, जो कि बेबी जैकफ्रूट होता है और अंदर से एकदम ही सॉफ्ट होते हैं, एकदम ही नरम होते हैं। यानी काटने पर ये देखिए कितना सारा इसमें से दूध निकल रहा है, यानी कि एकदम ही फ्रेश है, एकदम ही ताज़ा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीज भी अभी तक इसमें नहीं बने हैं। तो इस तरह की कटहली अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के तैयार होगी, जल्दी पक भी जाएगा, बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। आपके यहाँ इस बेबी जैकफ्रूट को क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो बची हुई कटहल है यानी आधा टुकड़ा जो है ना, उसे मैं क्लिंग रैप से इस तरीके से पैक करके रख दूँगी। सिर्फ आधे कटहल की ही सब्ज़ी बनाऊँगी, इतने में करीब 7 से 8 लोग आराम से खाना खा सकते हैं। रोटी सब्जी सर्व करिए, चाहे स्टीम्ड राइस सर्व करिए, बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर ये देखिए, आधा रख देने के बाद ये जो बचा हुआ आधा है ना, इसे अब मैं छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। तो इनको थोड़ा सा काट लेने के बाद इनके जो छिलके हैं ना, इसे निकाल लेना है। लेकिन छिलका निकालने से पहले हाथों पर तेल लगा लें, जिससे कि ये जो दूध है ना, ये काफ़ी स्टिकी होता है, हाथ पर ना चिपके, नहीं तो फिर बाद में इसे निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। तो राई का तेल लगाने के बाद इनको मैं कट करके छील लूँगी। और छीलने के बाद ये जो बीच वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ना, वाइट वाला सफ़ेद सेक्शन जो है, उसे निकाल लेना है, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होता है और इसी पकाने में काफ़ी वक्त भी लगता है। और मेन जो पल्प एरिया है ना, वो इस बीच वाले इस सफ़ेद सेक्शन और छिलके के बीच में जो बीज वाला हिस्सा होता है, वही होता है, उसी में बीज भी बनता है। और इसी बीज के इर्द गिर्द पीले रंग का पल्प होता है, जिसे हम काट कर खाते हैं बीज निकाल कर, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मीठा होता है जैकफ्रूट पकने के बाद। वैसे तो ये छोटा सा जो जैकफ्रूट है, यानी बेबी जैकफ्रूट बोल दीजिए या आप कटहली कहिए लोकली, ये काफ़ी नरम होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और इनकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। अगर आप अचार बनाना चाहते हैं तो थोड़ी से बड़े साइज़ की कटहली आप ले लीजिए, जिसके बीज जस्ट बनना शुरू हुए हों। तो ऐसे कटहली का जो अचार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर इस कटहल को मैंने काट लिया है और ये देखिए, थोड़े से स्लाइस कर लेने के बाद ये जो बीच वाला हिस्सा है, इसे मैं निकाल दूंगी। और फिर इसके बाद इनको छोटे टुकड़ों में काट कर सीधे पानी में डाल दें, क्योंकि काटने के बाद ये तुरंत ही काले भी होने लगते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा डार्क ना हो, इसके लिए ये देखिए पानी मैंने तैयार रखा हुआ है। और सीधे कटहल को काट कर इनके छोटे टुकड़े करके पानी में सीधे ही डाल दूंगी। कटहल के साथ थोड़े से आलू भी मैं डालूंगी, तो इससे सब्ज़ी और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। वैसे ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आलू को स्किप कर सकते हैं। चलिए अब मसाला पेस्ट बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने थोड़ी सी काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, जावित्री, बड़ी इलायची, सारी चीज़ों को डाल दिया है ब्लेंडर में। छोटी इलायची भी डाल दी है और अब इसी के साथ हरी मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन, इन सारी चीज़ों को डाल दूंगी। और थोड़ा सा पानी डालकर इसका स्मूथ पेस्ट बना लेना है, एकदम अच्छे से इसे पीस लीजिए। आप चाहें तो इसे पतले स्लाइसेस में काट कर और भून कर भी सूखी सब्जी कटहल की बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रेवी वाली ऑथेंटिक बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिए। ये जो रेसिपी है, इससे कटहल जब बनके तैयार होगा ना, तो एकदम मटन चिकन वाला फ्लेवर आएगा। यानी अगर आप चिकन मटन नहीं खाना चाहते हैं तो कटहल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है उसे रिप्लेस करने के लिए। और यहाँ पर ये देखिए, मसाला पेस्ट तैयार हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर ये देखिए, मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, उसमें मैं डाल दूंगी सरसों का तेल। तो सरसों के तेल में ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है,
वैसे आप चाहें तो सरसों के तेल की जगह आप जो रेगुलर कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं उसे ले लीजिए और उसी से ही सब्ज़ी बनाइए। तो यहाँ पर तेल गर्म हो जाए उसके बाद ये जो कटहल और आलू मैंने काट के रखे हुए ना, डाइस करके रखे हुए हैं, इनको मैं फ्राई कर लूँगी। और फ्राई तब तक करना है जब तक कि इनके ऊपर थोड़ी सी गोल्डन लेयर ना आ जाए। तो इससे ना ये जो कटहल है करीब करीब 50% यहीं पर फ्राई करने से पक जाते हैं। बहुत ही नरम है, बहुत ही सॉफ्ट है ये, तो इनको पकने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। अगर कटहल में बीज बनने लगे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि उसे एक बार प्रेशर कुक कर लीजिए एक सीटी तक, और उसके बाद उसे फ्राई करके फिर सब्ज़ी बनाइए। लेकिन इस तरह की अगर छोटी सी कटहली है जो कि एकदम नरम है, बीज भी नहीं बने हैं, तो उससे सब्ज़ी बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और झटपट भी बन जाती है। साथ ही साथ इस कटहली की सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी भी होती है। तो 3 से 4 मिनट में एक अच्छी सी गोल्डन लेयर आ जाएगी इस कटहल के पीसेस पर, और फिर इसके बाद इनको तेल में से निकाल लेना है। और बिल्कुल इसी तरीके से मैं आलू भी फ्राई करके प्लेट में निकाल लूँगी, तो इससे कटहल में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा और सब्ज़ी इसकी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो एक बार फ्राई तो ज़रूर कर लीजिए, तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेक्स्चर आएगा। तो इनको ये देखिए फ्राई कर लिया है, अब मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी, ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से। और फिर इसके बाद यहाँ पर आलू को भी फ्राई करके निकाल लेना है। तो यहाँ पर तेल जितना भी है एक्स्ट्रा मैंने ड्रेन कर लिया है, और फिर उसके बाद कटहल को तेल में से निकाल लिया है। और इसी के जैसा ही मैं आलू भी फ्राई करके यहाँ पर प्लेट में से निकाल लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए आलू भी फ्राई हो गए हैं, तो इनको भी मैं प्रेशर कुकर में से निकाल लूँगी, तेल में से निकाल लूँगी। जितना भी एक्स्ट्रा तेल है उसे निकाल लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत ही अच्छा सा गोल्डन रंग आ गया है दोनों ही चीज़ों पर। और अब यहाँ पर प्रेशर कुकर में जो तेल बचा हुआ है ना, इसमें मैं डाल दूँगी हींग और जीरा, और साथ ही साथ तेज़पत्ता डाल दूँगी। और फिर इनको थोड़ा सा भून लेने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी प्याज, 2 सूखी लाल मिर्च भी मैंने डाली हुई है, तो इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है ग्रेवी में। तो यहाँ पर ये देखिए लाल मिर्च और मसालों को भून लेने के बाद बारीक कटा हुआ प्याज डाल दूंगी, और इसे भी थोड़ा सुनहरा होने तक भून लेना है। जैसे ही प्याज का रंग बदलने लगेगा तो इसमें मैं डाल दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, तो इससे ना ग्रेवी में कलर बहुत अच्छा आएगा। तो इन मसालों को डालकर हल्का सा भून लेना है 10 से 15 सेकेंड के लिए, और फिर उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी प्याज वाला जो पीसा पेस्ट है ना उसे डाल देना है, और अच्छी तरीके से मिक्स करके तब तक पकाना है जब तक कि इस मसाले में से तेल ना छूटने लगे। तो यहाँ पर ये मसाला भून लेने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी 2 टमाटर की प्यूरी, और इसे भी फिर से भूनना है जब तक कि इसमें से तेल ना छूटने लगे। टमाटर डाला है तो साथ ही साथ मैं नमक भी डाल दूँगी स्वाद अनुसार। मसालों में मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है और मीट मसाला डाला हुआ है। मीट मसाला की जगह आप चाहें तो चिकन मसाला भी डाल सकते हैं, तो उससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। या तो फिर मैंने एक गरम मसाला की रेसिपी अपने चैनल पर डाली हुई है हाल ही में, जो कि मसाला हर चीज़, चाहे आप नॉनवेज बनाना चाहते हैं या कोई वेज करी बनाना चाहते हैं, हर तरह की डिशेस के लिए एकदम परफेक्ट है। तो आप उसे भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं, वो मसाले को बनाकर रख दीजिए और 3 से 4 महीने तक ये आराम से चल जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मसाला करीब करीब भून गया है और एकदम बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है, मसाले में अच्छी सी चमक भी आ गई है। तो फिर इसमें मैं डाल दूंगी जो कटहल और आलू को फ्राई करके रखा है उसे, और अच्छे से मिक्स करके करीब 3 से 4 मिनट के लिए मसालों के साथ इनको अच्छे से भूनना है। तो इससे क्या होगा ना कि मसाले का जो फ्लेवर है कटहल और आलू में अंदर तक एब्जॉर्ब होगा और सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पर इनको भून लेने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी पानी, तो करीब 1 से 1.5 कप पानी यहाँ डालना है। और यहाँ पर मैं खौलता पानी डाल रही हूँ, तो इससे क्या होगा ना कि तुरंत ही ये सब्ज़ी बन जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर खौलता हुआ पानी मैंने डाला है, तो तुरंत ही प्रेशर कुकर लगाना है। जैसे ही प्रेशर कुकर आप ढक्कन लगाकर बंद करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए तुरंत ही सीटी पकड़ ले रहा है प्रेशर कुकर में, क्योंकि हमने खौलता पानी डाला है, तुरंत ही स्टीम बनने लगेगा और तुरंत ही सीटी पकड़ लेगा। तो यहाँ पर इसे ऐसे मैं करीब 3 सीटी तक पकाऊंगी, जिससे कि कटहल एकदम अच्छे से गल जाएगा, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर इनको अच्छे से पका लेना है, और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो गई है। और जब आप प्रेशर कुकर हटाएंगे तो वाओ क्या लुक है, देखिए एकदम लाल कलर की जो करी है, जो तेल है वो ऊपर की तरफ आ गया है, और ग्रेवी कितनी टेम्पटिंग, कितनी टेस्टी दिख रही है। तो यहाँ पर
एक हल्का सा मिक्स करने के बाद इसे मैं आखिर में बारीक कटे हुए हरे धनिए से गार्निश कर लूँगी, तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लुक आएगा। बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। तो ये देखिए, हरा धनिया डालने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ग्रेवी में गाढ़ापन देखिए बहुत ही ज़बरदस्त आया है। प्याज क्योंकि मैंने पीस कर डाला हुआ है, टमाटर मैंने प्यूरी करके डाला हुआ है और साथ ही साथ आलू से बहुत ही अच्छा ग्रेवी में कंसिस्टेंसी आ जाती है। कटहल के पीस को आप देख सकते हैं, कट करके दिखा दे रही हूँ, कितने सॉफ्ट हैं और एकदम टेंडर हैं। ग्रेवी आप चाहें तो थोड़ी सी और पतली कर सकते हैं, थोड़ा सा और पानी डालकर इसमें मिक्स करके इसे थोड़ा सा पतला कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर इसे रोटी से खाना है इसीलिए मैंने थोड़ा गाढ़ा ही रखा हुआ है। और ये देखिए, सर्व करते समय कितना परफेक्ट टेक्सचर है, कितना ज़बरदस्त कलर है और बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। ऊपर से थोड़े से बारीक कटे हुए हरे धनिए से और गार्निश कर लूँगी। तो इस बार होली पर आप चिकन मटन की जगह इस तरीके से कटहल की सब्ज़ी ज़रूर बनाइए, सबको बहुत पसंद आएगा, ये तो मैं गारंटी के साथ कहूँगी। और हमेशा आप इसी तरीके से कटहल की सब्ज़ी को बनाना पसंद करेंगे। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।